हेलो, आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रैक्टिस सेट 11 लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हैं इसमें। और बाकी के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हर प्रैक्टिस सेट में 10-10 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर तरीके का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिस पैटर्न्स के आए हुए हैं सुपरटेट में, तो उस तरीके के लिए गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप सारी वीडियोस आप लोग देख लीजिए और साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। डेली आप सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत पक्का होने वाला है मैथ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासापा 8 तथा लासापा L है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो L का मान होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें दिया है A अनुपात B, हमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात दिया है हमें 4:5, और हमें क्या दिया है, मासापा को क्या कहते हैं हम HCF और लासापा को क्या कहते हैं हम LCM, राइट। तो हमें HCF दिया है, HCF हमें क्या दिया है 8। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका बस मेथड आप लोग ध्यान रख लीजिए कि अगर हमें मासापा दिया है और हमें अनुपात दिया है और हमसे अगर वो लासापा पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे लासापा LCM इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे A क्रॉस B क्रॉस H, बस हमें बस यही करना है। बस अब हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस एक लाइन का ये क्वेश्चन है और आप इसको, अगर आपको इसका करने का ढंग पता है तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आप इसको सॉल्व कर देंगे और एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, वैल्यू रख दीजिए 4, ए अनुपात बी की वैल्यू क्या है 4 × 5 क्रॉस एच की वैल्यू कितनी है 8। बस अब मल्टीप्लाई करनी है, 4×5 20 क्रॉस 8 यानी कि 8×0×8 = 16 यानी कि 160। तो बस हमें ध्यान रखना है, अगर HCF हमें दिया है और दो संख्याओं का अनुपात दिया है, हमसे LCM पूछा है, तो हमें बस इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि हम एक सेकंड में कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 4 की घनमूल 4 प्लस 2√5 एंड 6√8 में से कौन सी बड़ी संख्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो इसको देखते हैं इसके करने का क्या पैटर्न है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना होता है कि जो ये संख्याएं दी हैं 3, ये दिया है हमें 3√4 2√5 6 8, ऐसे करके दिया है। तो हमें इन संख्याओं का, ये और ये, इनका हमें क्या निकालना होता है LCM, हमें क्या निकालना है LCM ऑफ 3, 2, 6। तो LCM हम कैसे निकालते हैं 3, 2, 6 का, तो किससे कटेगा ये, पहले 2 से हम काट लेते हैं, 3 ऐसे ही 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6, फिर हम 3 से करेंगे 1, 1, 1, तो LCM इसका क्या आ गया 2 × 3 × 1, तो LCM हमारा आ गया 6। अब हमें क्या करना है, LCM हमारा 6 आ गया, तो 4 की पावर इसे हम लिख सकते हैं √3 √4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, राइट। 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, राइट। एंड 6√8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/6, राइट। देन इसके बाद हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, फिर हम क्या करेंगे, हम जो हमारा LCM आया है तो उसको हम पावर में रख देंगे 6 by 3,
इज इक्वल टू फाइव, वन के मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स वाई टू इज इक्वल टू एट की पावर सिक्स वाई सिक्स, वन सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से ऊपर, तो हमारे पास क्या बचेगा, तीन से हम काट दें तीन दूनी छः, तो चार की पावर क्या आ गई हमारे पास एक, चार की पावर हमारे पास क्या आ गई दो, पाँच की पावर हमारे पास क्या आ गई दो तिया छः, तो पाँच की पावर कितनी आ गई थ्री, और सिक्स वन जा सिक्स यानी कि एट की पावर कितनी आ गई वन। अब इसको चार, चार का स्क्वायर क्या होता है सोलह, पाँच का स्क्वायर पचम पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, और ये क्या हो गया आठ की पावर एक मतलब आठ। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा लग रहा है, ये इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 125। तो ये है किसका 125, ये है हमारा 2√5। तो ये हमारी सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या राइट, ये क्या हो गई हमारी बड़ी संख्या। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो क्या करा हमने, जो हमारे पास ये जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें हमने थ्री टू और सिक्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं अंडर रूट के ऊपर जो लिखी होती हैं उसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमने निकाला थ्री टू और सिक्स इनका निकाला, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया छः। अब सबसे पहले काम क्या करा हमने, थ्री अंडर रूट फोर है तो इसे हमने सही से लिखा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में, तो फोर की पावर वन बाई थ्री कर दिया। टू अंडर रूट फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव की पावर वन बाई टू, ये टू नीचे आ जाएगा ये थ्री नीचे आ जाएगा। सिक्स अंडर रूट एट को हम क्या लिख सकते हैं एट की पावर वन बाई सिक्स, ठीक है। अब जो हमारा एलसीएम आया सिक्स, सिक्स जो हमारा एलसीएम आया इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर की पावर सिक्स अपॉन थ्री हमने लिख लिया, फाइव की पावर सिक्स अपॉन टू हमने लिख लिया, एट की पावर सिक्स अपॉन सिक्स लिख लिया। इसको कट कर दिया, फोर का स्क्वायर फाइव का थ्री और एट का वन, तो देख लिया कि मल्टीप्लाई करके कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा क्रमशः लिए गए समय में अनुपात होगा। हम जानते हैं v प्रोपोर्शनल टू 1/t, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला होता है ना हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि चाल हमारी क्या है, चाल को हम लिख सकते हैं चाल प्रोपोर्शनल है हमारी 1/समय, यही हमने लिख दिया v, चाल को लिख दिया हमने v, या हिंदी में भी लिख लिए चाल प्रोपोर्शनल है हमारी 1/समय राइट। तो हम ये भी लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू 1/v राइट। तो समय का अनुपात हो जाएगा हमारा, चाल का अनुपात इतना है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, लिख देते हैं हम चाल का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात है हमारा 2:3:4। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात बटे में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 राइट। देन इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 12, क्योंकि भाई 12 टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में भी आता है और फोर की टेबल में भी आता है, नहीं तो आप ऐसे ले लीजिए 2, 3, 4, दो से करा 2 × 1 = 2, 3, 2 × 2 = 4, फिर 2 से करा 3, 1, फिर 3 से करा 1, 1, 1, यानी कि 2 × 4 = 12। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 12, तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12। तो समय का अनुपात हमारा क्या आ गया, समय का अनुपात क्या आ गया हमारा, अगर हम लिखना चाहें तो हमारा अनुपात आ गया 6:4:3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट जा रहा है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। बस हमें ये ध्यान रखना है कि चाल प्रोपोर्शनल 1/समय, यदि चाल का दिया है हमें तो हम 1/t कर देंगे, अगर समय दिया है हमें तो हम 1/v कर देंगे राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4 हो तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4, हमें ये दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 2 इधर ले जाएं, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2। अगर हम 2 इधर ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा 1 2, राइट। प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 2, तो इधर चला गया 1 2 बचा, तो इधर 2 लिखते हैं, राइट। अब हम करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, x माइनस टू, और b क्या है, 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू। अब इसका भी तो हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा, 4, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस टू से x माइनस टू चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 में से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारा कितना आ गया, ये 2 है, ये माइनस में चला जाएगा इधर, तो 4 माइनस 2 इज 2। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु 2, 4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम बना लेंगे पहले एक्स वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स 2 है और वाई कितना है हमारा, 4। तो यहाँ पे हमारा बिंदु दर्शाया जाएगा 2, 4। अब वो कह रहा है कि बिंदु 2, 4 ये हमारा बिंदु है, है? इसकी कह रहा है, ये हमारी क्या कहलाती है, x अक्ष, और ये क्या कहलाती है, y अक्ष, और ये क्या कहलाता है, ओरिजन, ठीक है। तो कह रहा है इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, ये 2 है और ये हमारी कितनी है, 4 है। तो इस बिंदु की x अक्ष से यहाँ से दूरी कितनी है इसकी, 4। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन, एक्स अक्ष से दूरी बराबर 4। भाई एक्स, ये बिंदु यहाँ पे है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, 4, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक्स का मान वाई के मान से 5 अधिक हो, एक्स का मान हम लिख लेते हैं, x का मान y के मान से 5 अधिक हो, तो लिख लिया हमने। फिर कह रहा है x तथा y के वर्गों का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग कितना है, 65 है। तो x y का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो हम पहली इक्वेशन लेके चलेंगे, हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो दोनों ओर हम वर्ग कर दें, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको हम सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy, माइनस है ना, तो माइनस के 2xy इज इक्वल टू 25, राइट। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 65, माइनस के 2xy इज इक्वल टू 25। तो 65 माइनस 25 इज इक्वल टू 2xy, राइट।
65 इधर आ गए तो ये माइनस के हो गए, और 2xy माइनस का है तो राइट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 40, 5 में से 5 गया 0, 6 में 2 गया 4, इसको 2xy। अब 2 से हम इसे कट करेंगे तो ये कितना जाएगा 20, 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हम देखते हैं कि 20 हमारा कौन से ऑप्शन में सही जा रहा है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स का 5% 45 हो तो एक्स का मान होगा, एक्स का तो हम लिख देते हैं एक्स, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5% और परसेंट का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे हम 100 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है 45। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 × 45 तो कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे तो इधर जाएगा ये, तो एक्स बराबर 9 × 100 यानी कि एक्स बराबर 900। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट। तो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5% है तो परसेंट का साइन हटा के हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, है कितना 45 इज इक्वल टू 45। तो एक्स का मान हमारा आ गया, तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8, एक कालीन का क्रय मूल 2500 रुपये है, इसे 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो कालीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट हम यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक हमें सीपी दिया है, सीपी हमें कितना दिया है, क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं सीपी, राइट। तो सीपी हमें कितना दिया है 2500, और प्रॉफिट हमें कितना दिया है 20%। तो पूछा क्या है हमसे, एसपी पूछा है, तो प्रॉफिट दिया है हमें तो लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लाभ हमें क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अरे लाभ हमें इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, कैसे लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, हम कोई वस्तु अगर बेचेंगे तो खरीदी हमने कोई वस्तु और हम उसे जब बेचेंगे ज़्यादा में तभी तो हमें लाभ होगा, जब हमने जो चीज़ खरीदी है उससे ज़्यादा में हम बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य कम होगा तो हमें लाभ होगा, और ये होता किस पे है हमेशा सीपी पे, क्रॉस 100, नहीं तो ये याद कर लीजिए। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य क्रॉस 100। तो सबका मान लगा देते, लाभ कितना है 20% का, एसपी हमें निकालना है, सीपी कितना है माइनस 2500 अपॉन सीपी कितना है 2500 क्रॉस 100, 0 से 0 गया, तो 20 × 25 इज़ इक्वल टू एसपी माइनस 2500, तो 0 और 25 दुनी 50, इज इक्वल टू एस पी माइनस 2500, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 2500 इज इक्वल टू एस पी, तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू एस पी। तो एस पी हमारा कितना आ रहा है 3000, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बस ये देख लीजिए आप कि लाभ परसेंटेज के फॉर्मूले में जो चीज़ हमें दी है वो हमने लगा ली, विक्रय मूल्य हमसे पूछा है तो वो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में यदि एल एम पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं जो कभी भी मिलती नहीं है आपस में, कह रहे ये एक एम लाइन है और ये एक एन लाइन है, ये कैसी हैं पैरेलल हैं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कोण हमारे कैसे हो गए, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये 80 का है
तो ये भी 80 का होगा, एकांतर कोण होगा, राइट। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे ये पूरा कोण हमारा कितना हो गया, 180 का हो गया पूरा कोण हो गया। या ऐसे निकाल लो आप इसे, ये 80 है ये 60 है तो ये कितना हो गया, जोड़ो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 80 प्लस 60, भाई एकांतर कोण बराबर होते हैं, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 80 है तो ये भी 80 है, प्लस एक्स, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो 8 और 6 14, 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री में है ये कोण, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, आंसर बी इज राइट ऑप्शन। बस हमें यही ध्यान रखना है, ये लाइन पैरेलल है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये हमें पता है, ये पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, सबका मान लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो दिया है हमें ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए का मान होगा क्या होगा। तो कह रहे हैं ए अनुपात बी बराबर दिया है हमें 4:5 तथा बी अनुपात सी हमें दिया है 5:7। अब हम देखेंगे कि B का अनुपात यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी अनुपात 5 है, तो हम लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C क्या हो गया, A की है 4, B दोनों में कॉमन है 5:7, तो हमें तीनों के अनुपात हमें पता चल गए। तो हमें लिखना है A प्लस B प्लस C अपॉन A, तो A की वैल्यू हम लगा देंगे 4 + 5 + 7 / 4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 7 × 5 = 12, 12 × 4 = 16 अपॉन 4, 4 × 16, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। तो ऑप्शन हमारा a इज राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में बस यही देखना था कि हमें ऐसे दिया हुआ a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 5:7, तो हम देखेंगे कॉमन हमारा b का कॉमन है, तो हमने b का वो एक कॉमन ही नंबर लिख लिया, तो इससे हमें आसानी हो गई और ये क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया आज का। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहें, जिससे आप लोगों की तैयारी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से होती रहे, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल नहीं निकलते हैं, कुछ सालों में ही निकलते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी खूब जम के कीजिएगा और डेली मैथ्स के क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।